हे गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड मॉक टेस्ट नंबर 7 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं 1 से लेकर 6 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो वो जाके वो सारे मॉक टेस्ट देख सकते हैं। तो चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जो भी आपके 50 क्वेश्चन इंक्लूड किया ना जनरल नॉलेज के, ये मैंने मैक्सिमम आपके करंट अफेयर के इंक्लूड किया है। और इसके बाद जो मैं अगला मॉक टेस्ट लेके आऊँगा 8 नंबर, उसमें मैं आपके मैक्सिमम स्टेटिक क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा, ताकि धीरे धीरे आपके सारे के सारे क्वेश्चन लगभग लगभग कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का। ये लगभग इसमें सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर के है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द रेंज ऑफ विच मिसाइल हैज़ बीन अपग्रेडेड फ्रॉम 290 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। इनमें से कौन सी मिसाइल की रेंज 290 से बढ़ाकर 500 किलोमीटर तक कर दी गई है, तो उस मिसाइल का नाम बताना है। उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें दिया हुआ है, इंडिया विलेज बनाएगा वार अफेक्टेड पीपल्स के लिए और एस्टेट वर्कर्स के लिए, तो हमें बताना है इंडिया कौन से देश में ये वाला गांव बनाएगा। तो इंडिया श्रीलंका में गांव बनाएगा वार अफेक्टेड पीपल्स के लिए और स्टेट वर्कर्स के लिए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, द फिफ्थ इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर, 5वां इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर कॉम्पिटिशन कहाँ पर हुआ, सॉरी कौन सी टीम ने ये वाला कॉम्पिटिशन जीता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इंडियन आर्मी टीम ने, मतलब इंडिया ने ये वाला कॉम्पिटिशन जीता। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एग्री बिजनेस इनकमेशन सेंटर कहाँ पर बनाया गया, एग्री बिजनेस इनकमेशन सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, किसने अप्रूव किया इसको बनाने के लिए, तो इसको यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया। आजकल एग्जाम में ऐसे उल्टे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, आपको एग्जाम में दे देगा कि एग्री बिजनेस इनकमेशन सेंटर जो कि छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है, ये किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जा रहा है, या कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूव दिया बनाने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया हैज़ सेटअप ए वाटरवे, इंडिया वाटरवे सेटअप करेगा ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ये वाटरवे भूटान और कौन से देश को जोड़ेगा, ये बताना है हमें। तो जो ये वाटरवे है भूटान और बांग्लादेश को जोड़ेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि ये जो वाटरवे भूटान और बांग्लादेश को जोड़ेगा, ये कौन सी रिवर पर बनाया जा रहा है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाया जा रहा है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास वो है, विच नेशन हैज़ लॉन्च इट्स ओन स्पेस कमांड, कौन से नेशन ने खुद का स्पेस कमांड लॉन्च कर दिया है, तो ये जो नेशन है वो है यूनाइटेड स्टेट। ऑप्शन नंबर सी यूएसए अमेरिका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, हमें उस पहले आईपीएस ऑफिसर का नाम बताना है जिनको तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2018 मिला है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2018 मिला है आईपीएस ऑफिसर को, तो उस आईपीएस ऑफिसर का नाम बताना है, तो उनका नाम है अपर्णा कुमार। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ये मिसल, किसी एक कंट्री को मिसल फ्री डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने, तो हमें उस कंट्री का नाम बताना है, तो श्रीलंका को मिसल फ्री डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, पथामदाई सिल्क मैट को अभी अभी GI टैग मिला है, पथामदाई सिल्क टैग को अभी अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो ये जो मैट है ये कौन से स्टेट का मैट है, ये दोस्तों तमिलनाडु का मैट है। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रेसिडेंट कौन बनाया, उसके बारे में बताना है, तो शरद कुमार सरफ इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अभी अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कौन से साल तक इंडिया में जो TB है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तो दोस्तों 2025 तक इंडिया में जो TB है पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इंडिया में कब तक TB ख़त्म होगा, तो आपको मार्क करके आना है 2025 तक। अगर आपसे ग्लोबल में पूछे, ग्लोबल में पूरी तरीके से जो TB है कब तक ख़त्म होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी, इंडिया में 2025 तक और ग्लोब में पूरा 2030 तक TB ख़त्म हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री में जो सोलर पावर प्रोड्यूस कर रही है वो सबसे सस्ते तरीके से प्रोड्यूस कर रही है, लो कॉस्ट में, ग्लोबली पूरे ग्लोब में लो कॉस्ट में सबसे ज़्यादा सस्ते तरीके से सोलर पावर कौन सी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, तो इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर है ऑफकोर्स इंडिया। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, हु विल हेड द वर्किंग ग्रुप, दोस्तों एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसकी जो रिवीजन करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। दोबारा रिपीट करूँ, WPI
होलसेल प्राइस इंडेक्स का रिवीजन करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। तो हमें बताया ना कि ये जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया इसके हेड कौन है। इसके हेड है रमेश चंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय नाइट फ्रैंक, नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमंग टॉप कैपिटल इंपोर्टिंग कंपनीज। टॉप कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्रीज में इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया का 20वां रैंक है। और ये जो रिपोर्ट दी है ये कौन सी किसने रिपोर्ट दी है? ये नाइट फ्रैंक ने ये वाली रिपोर्ट दी है, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है अभी अभी BSES यमुना पावर लिमिटेड, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, BSES यमुना पावर लिमिटेड, इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में BYPL भी लिखते हैं, ठीक है। अभी अभी BYPL ने लॉन्च किया है एनर्जी सेविंग एप्लीकेशन, तो उस एनर्जी सेविंग एप्लीकेशन का नाम बताना है। ये एनर्जी सेविंग एप्लीकेशन है, एनर्जी कंजप्शन के पैटर्न्स को ट्रैक करती है, तो इस एप्लीकेशन का नाम बताना है। इस एप्लीकेशन का नाम है सुचतोम, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द स्कीम फॉर स्मोकलेस किचन। तो स्मोकलेस किचन की जो ये जो स्कीम अनाउंस की है ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अभी अभी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपना जो फॉर्मली ओपन इसका हेडक्वार्टर है कौन सी कंट्री में ओपन किया है? तो दोस्तों जो इन्होंने अपना नया हेडक्वार्टर ओपन किया IOC ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, ये स्विट्जरलैंड में ओपन किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, एक बुक है जिसका नाम है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है सुशील कुमार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। बुक का नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमरीज ऑफ द मिलिट्री चीफ, आपके एग्जाम में भी ऐसे आ सकता है। सुशील कुमार ने अभी एक बुक लिखी, उसका नाम बताना है। तो बुक का नाम है ए प्राइम मिनिस्टर टू द रिमेंबर मेमरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, ये जो सुशील कुमार है ये आपके इंडियन नेवी के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। सुशील कुमार कौन है? इंडियन नेवी के पहले के चीफ रह चुके हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द 2019 ब्लैक फॉरेस्ट कप, 2019 का ब्लैक फॉरेस्ट कप कौन सी कंट्री में हुआ? तो ब्लैक फॉरेस्ट कप दोस्तों 2019 का जर्मनी में हुआ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर्स नेशनल स्टेटिक्स डे, इस साल का नेशनल स्टेटिक्स डे का जो थीम है वो क्या था? तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG इज द थीम ऑफ द नेशनल स्टेटिक्स डे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, हु वॉन द मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया टाइटल 2019 सुमन राव ने जीता है, और ये कहाँ से है? ये राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑफ द पेरिस पैक्ट इनिशिएटिव टू बी हेल्ड इन विच सिटी और यूनियन टेरिटरीज, ये न्यू दिल्ली में होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए जो DG बने हैं डायरेक्टर जनरल उनका नाम बताना है। तो उनका नाम है दोस्तों के नटराजन, कृष्ण स्वामी नटराजन, पूरा नाम है इनका कृष्ण स्वामी नटराजन, शॉर्ट फॉर्म में के नटराजन, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फंक्शन ऑफ डेटा, एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है फंक्शन ऑफ डेटा सोवर्निटी द परस्यूट ऑफ सुप्रीमसी, इसके ऑथर कौन है? तो इसके जो ऑथर है वो है विनीत गोनका, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, विच स्टेट टू रन सेव वाटर, इनमें से कौन सा स्टेट जो है सेव वाटर कैंपेन चलाएगा और वाटर सेल चलाएगा? तो ये चलाएगा मध्य प्रदेश, MP। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 50 में टोटल हमारे 25 नंबर क्वेश्चंस हो चुके हैं, आशा कर रहा हूँ आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा इन क्वेश्चंस में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपको पता है लाइक करना है, और अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों जरूर शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय ब्लूमबर्ग NEF, एक रिपोर्ट है जो रिलीज़ करती है ब्लूमबर्ग NEF, इसके द्वारा जो आधी दुनिया है हाफ ऑफ द वर्ल्ड वो उस आधी दुनिया जो पावर रिसीव करेगी वो विंड के द्वारा और सोलर के द्वारा रिसीव करेगी, तो कौन से साल तक ऐसा होगा? तो ये दोस्तों 2030 तक ऐसा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली यूरी तुर्तवे विजिटेड इंडिया, ही इज़ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच कंट्री, तो रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है यूरी तुर्तवेव। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, द इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द किम्बरले प्रोसेस विल टेक प्लेस इन विच सिटी, तो किम्बरले प्रोसेस की जो इंटरनेशनल मीटिंग है ये कहाँ पर होगी? तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में होगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु रिसीव्ड द सेव वाटर हीरो अवार्ड, सेव वाटर हीरो अवार्ड किसको मिला है? क्योंकि इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अवेयरनेस फैलाई थी,
तो सेव वाटर हीरो अवार्ड मिला है टिल्लू को, इसको ऐसे याद कर सकते हो, टिल्लू को सेव वाटर हीरो अवार्ड मिला है। पूरा नाम है इनका मकरंद टिल्लू। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंपनी अनाउंस द रिलीज ऑफ द न्यू फीचर सेल्फी वाला KYC। एक नया फीचर रिलीज़ किया सेल्फी वाला KYC, ये कौन सी कंपनी ने रिलीज़ किया है? तो ये फंड बाजार नाम की कंपनी है, उन्होंने ये वाला फीचर रिलीज़ किया है जिसका नाम है सेल्फी वाला KYC। अगला हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड स्टार्टअप कॉल्ड पुल पांडा। एक कंपनी है पुल पांडा, उसको कौन सी कंपनी ने एक्वायर कर लिया? तो पुल पांडा जो एक्वायर किया है वो किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने एक और कंपनी है जिसको अप्लाई एक्वायर किया, उसका नाम है ब्लू करके कुछ है। अभी अगला क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट साइंड MOU फॉर डेवलपिंग स्मार्ट गौशाला। स्मार्ट गौशाला डेवलप करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने MOU साइन किया? तो ये किया मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, MP ने। और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया था, वाटर से रिलेटेड कुछ किया था, अभी ऊपर क्वेश्चन आएगा वो भी आपको याद रखना है, सेव वाटर, वाटर को सेव करने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज पर द इसरो, इसरो के अकॉर्डिंग इंडिया हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन। इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन कब तक होगा? तो 2030 तक इसरो का खुद का स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली द NPCI हैज़ एंटर्ड इंटू एन एग्रीमेंट विद विच गवर्नमेंट। NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट किया है मी सेवा सर्विसेज के साथ, ठीक है। मी सेवा सर्विसेज और NPCI ने एग्रीमेंट किया है कौन सी गवर्नमेंट के साथ? तो उस गवर्नमेंट का नाम बताना है, उनका नाम है तेलंगाना, ठीक है। मी सेवा से आप कनेक्ट कर सकते हो तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना में ही ये मी मी टाइप बोले जाते हैं। मैंने नोटिस किया कई बार तेलंगाना की कोई भी स्कीम आती है तो उससे रिलेटेड अम्मा या मी लिखता है, तो इस हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मी सेवा सर्विसेज और NPCI दोनों ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द ADB के अकॉर्डिंग विच कंट्री हैज़ अमर्ज एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सी है ADB के अकॉर्डिंग? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ADB के अकॉर्डिंग। ये जो लिस्ट निकाली है 45 कंट्रीज़ के बीच में निकाली है, जिसमें टॉप बांग्लादेश ने किया। अगला दिया हुआ, इन विच स्टेट वर्ल्ड बिगेस्ट पंप हाउस वॉज इनोग्रेटेड। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट पंप हाउस कहाँ बनाया गया या कहाँ इनोग्रेटेड किया गया? तो सबसे बड़ा जो पंप हाउस है दोस्तों ये तेलंगाना में बनाया गया है। दोस्तों सबसे बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट पंप हाउस आपका तेलंगाना में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट पर्सन टू सॉर्ट आउट द ऑनगोइंग मैस इन आर्करी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। दोस्तों आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जो मैस चल रही है, जो गड़बड़ चल रही है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक पर्सन को अपॉइंटेड किया गया है, उसका नाम बताना है। तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को अपॉइंट किया गया है ताकि जो भी आर्चरी एसोसिएशन में जो भी मैच चल रही है, गड़बड़ चल रही है, उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू ए बैंक अश्योरेंस एग्रीमेंट विथ टाटा AIG। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक अश्योरेंस क्या होता है। दोस्तों जब बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, बैंक प्लस इंश्योरेंस ऐसे याद कर सकते हो, बैंक और इंश्योरेंस आपस में एग्रीमेंट करते तो उसको बोलते हैं बैंक अश्योरेंस। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, टाटा AIG ने कौन से बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है? टाटा AIG ने दोस्तों IDBI के साथ एग्रीमेंट किया। टाटा AIG इंश्योरेंस है कंपनी है और IDBI बैंकिंग है, तो बैंक का इंश्योरेंस हो गया दोनों को मिला के। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु रिसेंटली बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलोवर इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव बॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों राशिद खान। राशिद खान सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बॉलर बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, हु वोन द 2019 एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप। 2019 का एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप किसने जीता? ये जीता है निहाल सरीन ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हेड्स द ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विच रिकमेंड्स द मोटर व्हीकल बिल 2019 टू एड्रेस द इशू ऑफ द रोड सेफ्टी। इसका जो राइट आंसर है वो है यूनुस खान। यूनुस खान हेड करेंगे ग्रुप ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द इंडिया अमंग द हाईएस्ट रिस्क कंट्री। हाईएस्ट रिस्क कंट्रीज में इंडिया की क्या पोजीशन है? और ये जो रिपोर्ट दी है, ये दी है वाटर स्ट्रेस इंडेक्स 2019, इस रिपोर्ट का नाम है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की क्या पोजीशन है हाईएस्ट रिस्क कंट्रीज़ के अंदर? तो दोस्तों इंडिया की पोजीशन है 46 नंबर, ऑप्शन नंबर 4। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकता है।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द स्टेट विच हैज़ लॉन्च ए स्पेशल डिजिटाइज्ड पॉलिसिंग सिस्टम। उस स्टेट का नाम बताना है जिन्होंने स्पेशल डिजिटाइज्ड पॉलिसिंग सिस्टम लॉन्च किया। तो दोस्तों उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इसका नाम है, ठीक है। जो स्पेशल डिजिटाइज पुलिसिंग सिस्टम लॉन्च किया उसका नाम है AMBIS, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, यह महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। अगला हमारे पास है OTS में S का क्या मतलब है। दोस्तों OTS की फुल फॉर्म बतानी है जिसका मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट, तो हमें S का मतलब बताना है, S का मतलब हो गया सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर टू वन टाइम सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच एंटिटी हैज़ पार्टनर विद द एदलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। एदलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है, तो मोबीविक प्लस एदलविस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, इस दोनों ने आपस में एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप की है, ठीक है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ ओनर विद द प्रेस्टिजियस एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर 2019। प्रेस्टिजियस एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसको मिला, ये मिला दोस्तों रूहान राजपूत को। अगला क्वेश्चन है, टू विच गवर्नमेंट एजेंसी राकेश अस्थाना हैज़ अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल। राकेश अस्थाना को कौन सी एजेंसी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया, तो दोस्तों नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड NCB का डायरेक्टर जनरल बनाया गया राकेश अस्थाना को। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि NCB नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया, राकेश अस्थाना को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द एंटिटी, उस एंटिटी का नाम बताना है विच एक्वायर्ड ब्लू टैलन। अभी मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्लू नाम की कंपनी को एक्वायर किया, तो उसका पूरा नाम है ब्लू टैलन, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लू टैलन कंपनी को एक्वायर कर लिया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे पास है, विच कंट्रीज रिसर्चर डेवलप्ड ए न्यू कंप्यूटर मॉडल। कौन सी कंट्री के रिसर्चर ने एक नया कंप्यूटर मॉडल डेवलप किया, डेट कैन हेल्प एक्यूरेटली प्रिडिक्ट एयर पोल्यूशन लेवल, जो एयर पोल्यूशन के लेवल को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करेगा, तो ये किया चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और अमेरिका के रिसर्चर्स ने न्यू कंप्यूटर मॉडल तैयार किया जो कि एयर पोल्यूशन में के लेवल्स को प्रिडिक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ द लार्जेस्ट कॉफ़ी चेन इन इंडिया। दोस्तों आपको पता होगा कैफ़े कॉफ़ी डे, CCD आप लोग जाते होंगे, तो इनके जो फाउंडर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, उनका नाम बताना है। इनके फाउंडर का नाम है VG सिद्धार्थ हैज, इनकी डेथ हो चुकी है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सपेंड प्रगति, प्रगति की फुल फॉर्म बतानी है, तो प्रगति की फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ऑप्शन नंबर फोर इज योर राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की पूरी वीडियो जो कि मॉक टेस्ट 7 था। इसके अलावा दोस्तों जो मैं मॉक टेस्ट 8 लेके आऊँगा उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटिंग के इंक्लूड करूँगा, क्योंकि मॉक टेस्ट 7 में मैंने सारे के सारे मैक्सिमम आपके करंट अफेयर के इंक्लूड किया है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।